की तरफ से है और SIU ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रदर सलमान अहमद मौजूद हैं। उनके साथ SIU ऑफ इंडिया के महासचिव जनरल सेक्रेटरी ब्रदर सैयद मुजक्किर हैं और साथ में नेशनल सेक्रेटरी ब्रदर नेहाल अहमद मौजूद हैं। और मैं दानियाल अकरम, प्रदेश अध्यक्ष SIU बिहार, साथ में प्रदेश सचिव SIU बिहार शादमान नवानी। अभी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो खासकर AMU किशनगंज और बिहार के अंदर माइनॉरिटी जो सिक्योरिटी है या माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट से कुछ डिमांड्स है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। AMU किशनगंज वो जब माइनॉरिटी UPA गवर्नमेंट थी उस जमाने में, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ने जो सर्वे आया उसके नतीजे में जो कैंपस का अनाउंस हुआ AMU कैंपस का, उसमें एक कैंपस किशनगंज को भी दिया गया। उस कैंपस को देने के बाद एक जमाने तक उसमें जमीन लौटने हुई और नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने 2013 में उन्हें जमीन दी, पर उसके बाद फिर भी वो जमीन जो है लगातार किसी न किसी के जरिए वहां पर रोक दिया गया। फिर उसके बाद में स्टे लगा दिया गया 2017 में, और उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 126 करोड़ के आसपास उसके लिए बजट वो किया था, तो सिर्फ 2015 में ये मोदी गवर्नमेंट ने उसके लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपया उस फंड से दिया गया अभी तक। तो अभी जो उस कैंपस की सूरत हाल है उसमें न वहां पर जमीन का मसला हल है और न वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। एजुकेशन का मसला ये है कि अभी तक वहां पर गेस्ट फैकल्टीज पर हैं, जो कोर्सेज चल रहे थे वो फिर बंद हो गए हैं। तो SIU के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, क्योंकि SIU AMU किशनगंज के मुद्दे को SIU बिहार से शुरू दिनों से लेकर चल रही है, लगातार उस पर आवाजें उठाई है, प्रोटेस्ट भी की है, कई डिमांड्स हैं, गवर्नमेंट के सरकारों से मिली भी है। अभी भी इस सिलसिले में हम लोगों की अभी वार्ता मुलाकात गवर्नमेंट से बिहार में भी होगी, इससे पहले भी होती रही। तो दो तीन चीजें इसके अंदर खास है, एक तो नेशनल गवर्नमेंट का मसला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है, दूसरा खुद बिहार सरकार का भी वो सारा मसला है कि आपने जमीन दिया उसके बाद से जमीन के ताल्लुक से कोई भी सेंसिटिविटी गवर्नमेंट की नजर नहीं आ रही है स्टेट गवर्नमेंट। वही दूसरा डिमांड्स आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइनॉरिटीज के कुछ वेलफेयर स्कीम को, माइनॉरिटीज के एजुकेशन को लेकर, ये कई डिमांड्स को लेकर हम लोग आज बैठे हैं प्रेस वार्ता में। तो सबसे पहले हमारे बीच अभी इस प्रेस वार्ता में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आपके सामने एड्रेस करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपके लोगों से सवाल जवाब। धन्यवाद ब्रदर दानियाल। सबसे पहले तो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया बिहार की ओर से इस प्रेस वार्ता में मैं प्रेस के सभी बंधुओं का, सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आपके सामने बात रखी कि इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय है वो AMU किशनगंज है। मैं और आप ये बात जानते हैं कि किसी भी समाज की, किसी भी देश की प्रगति के लिए शिक्षा के मैदान में उस समाज का आगे बढ़ना अनिवार्य है, जरूरी है। शिक्षा में जब तक आगे नहीं बढ़ते हैं समाज आगे नहीं बढ़ सकता, और हम ये देखते हैं कि इतने आज़ादी के 70 सालों के बावजूद भी एजुकेशन सेक्टर में हमारा देश बहुत पीछे है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ समुदाय आगे बढ़े हैं, लेकिन जब आप पूरे देश की प्रगति की या उन्नति की बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि पूरा देश और देश का हर एक समाज आगे बढ़े, वरना कुछ लोग आगे बढ़ जाएं और बहुत से लोग पीछे रह जाएं तो पूरा देश और पूरा समाज ही पीछे रहेगा। इस संदर्भ में हमारी आज़ादी ही के बाद से बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत से एनालिसिस आए हैं, जिसमें से माइनॉरिटीज़ को लेकर, मुसलमानों को लेकर सच्चर कमेटी ने बहुत सी चीज़ें बताई हैं। एजुकेशनल लेवल पर, सोशल लेवल पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर माइनॉरिटीज़ का, खासतौर पर मुसलमानों का जो मामला है वो हम सब के सामने है। ऐसे में UPA 2 के दौरान 13 पॉइंट एजेंडा माइनॉरिटीज़ को डेवलप करने के लिए लाया गया था, और हम समझते हैं कि जब माइनॉरिटीज़ को डेवलप करना कहते हैं तो सिर्फ एक माइनॉरिटी का डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि उसके थ्रू पूरे समाज और पूरे देश का डेवलपमेंट होता है। तो जो बहुत से उसमें रिकमेंडेशंस थे उसमें एक ये था कि एजुकेशन के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए AMU जो देश की एक वरिष्ठ और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके 5 सब सेंटर्स पूरे इंडिया में खोले जाएंगे, जिसमें एक आपका बिहार था, एक बंगाल में था, एक केरला में था, एक महाराष्ट्र में था। तो हम ये देखते हैं कि इतना
यानी कि उस पूरे प्रपोजल को तकरीबन 10 साल होने आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किशनगंज में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, वो प्रोग्रेस नहीं हुई है। उसके बहुत से कारण हैं। एक तो स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से ज़मीन को अलॉट करना, उसके पेपर्स का क्लियरेंस और जिस तरीके से परस्यू करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम ये फील करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें पीछे रही, और जो यूनियन गवर्नमेंट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अगर सब सेंटर है तो फंड्स को अलोकेट करे, वहाँ फैकल्टीज को रिक्रूट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और जो दीगर चीज़ें लाना है, उसने भी उसको डिस्टर्ब किया है। खासतौर पे किशनगंज के बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छे से आप लोग जानते हैं कि किशनगंज जितना पिछड़ा हुआ इलाका है, तकरीबन 60% के करीब आबादी बाढ़ सर्वे से कहते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन जी रही है, तो ऐसे में कुछ बिहार की प्रगति और उन्नति के लिए भी ये ज़रूरी है कि किशनगंज के अंदर ऐसा सेंटर बने। एक और खास बात यह है कि उसको भी बहुत ज्यादा उजागर करना जरूरी है कि लोग ये समझते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम में चूंकि मुस्लिम है तो वहां सिर्फ मुस्लिम विद्यार्थी पढ़ते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर भी हर समुदाय के लोग पढ़ते हैं। और जहां तक उनके सब सेंटर्स की बात है, जहां मल्लापुरम में सब सेंटर खुला है, बंगाल में खुला है, तो वहां भी ये मामला है कि सभी समुदाय के, सभी जातियों के, सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं। तो एएमयू किशनगंज की डिमांड सिर्फ ऐसी नहीं है कि मुसलमानों को एडमिशन दिया जाए, बल्कि उसके जरिए से सीमांचल की भी और बिहार के दूसरे हिस्सों से भी जो लोगों की डेवलपमेंट का जो रास्ता खुलेगा, तो ये एक हमारी बड़ी डिमांड है और इसको लेकर हम अलग अलग काम कर रहे हैं। इन पांचों राज्यों में जहां सब सेंटर्स आने थे वहां काम कर रहे हैं और उसी का एक पार्ट ये है। इसके अलावा भी बहुत से मुद्दे हैं, जैसे आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देखेंगे तो 2 साल का ये जो पूरा पेंडेमिक का महामारी का पीरियड रहा, उसके नतीजे में लोग एजुकेशनली भी बहुत डिस्टर्ब हुए हैं और आर्थिक तौर पर भी बहुत गंभीर समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं। ऐसे में ड्रॉप आउट्स हो रहा है, लोग शिक्षा से दूर हो रहे हैं, लोगों के पास बेसिक साधन नहीं है, तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप है और ऐसी जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, इसके पूरे प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा हैसल फ्री बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। अब आप देखते हैं कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की कंडीशंस में एक ये है कि एनुअल इनकम फैमिली की 1 लाख से कम होनी चाहिए। इन्फ्लेशन रेट देखें और उसके बाद ये कंडीशन देखें तो हमको लगेगा कि ये एक तरीके का मजाक है कि आप ये कह रहे हैं कि एक पूरा परिवार है उसकी इनकम अगर 1 लाख से ज्यादा है तो आप उसको स्कॉलरशिप नहीं देंगे। तो महंगाई के इस दौर में जो है वो हमारी ये भी एक बड़ी डिमांड है कि इसको 1 लाख से बढ़ाकर कम से कम जो है वो 2.5 लाख जो है वो किया जाना चाहिए। वैसे ही हमारे देश में पिछले 6-7 सालों से, कम से कम उससे पहले से ही, लेकिन 6-7 सालों से एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया के नाम पर बहुत सी चीजें आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर, जमीनी सतह पर हमको उसको लेकर कोई प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव नहीं देखते हैं। उसका नतीजा ये है कि आज बिहार का युवा, नॉर्थन इंडिया का युवा जो अलग अलग जगहों पे जाने पर मजबूर हुआ है। यकीनन वो जहां जा रहे हैं तो वो पूरे देश को, समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये तो बिहार का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि यहां से लोग निकलकर पूरे देश को डेवलप कर रहे हैं, पूरे देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन उसकी जगह दूसरी सच्चाई ये भी है कि उनमें से बहुत से लोग जहां अपनी ख्वाहिश से जा रहे हैं, बहुत से लोग मजबूरी से जा रहे हैं क्योंकि यहां उनके पास वो अवसर और मौके नहीं है। फिर वो जहां जाते हैं तो वहां उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको बराबर सैलरीज नहीं दी जाती। हमने कोविड के दौर में देखा कि यहाँ का जो मजदूर, जिसने मुंबई को बनाया, जिसने बेंगलोर को बनाया, जिसने देश के अलग अलग राज्यों को बनाया, जब लॉकडाउन लगा तो वहां की सरकारों ने, बिल्डर लॉबी ने, कॉरपोरेट्स ने हाथ उठा लिया और इन लोगों को पैदल चलना पड़ा। तो ये जो अत्याचार यहाँ के नौजवानों के साथ हो रहा है, उसकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की भी है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और रोजगार के मौकों को यहाँ जनरेट नहीं कर रही है। अगर ये काम वो करेगी तो मैं समझता हूँ कि उसके नतीजे में यहाँ की माइनॉरिटीज भी और यहाँ के सारे समुदाय ज्यादा आसानी से प्रगति कर सकेंगे और बिहार हकीकतन जो है वो उसके अंदर एक बाहर जो है वो इंशाल्लाह आएगी। तो ये हमारी 2-3 बड़ी डिमांड्स हैं कि एक तो शिक्षा के लेवल पर काम किया जाए, खास तौर पर एएमयू किशनगंज को लेकर, दूसरा यहाँ पर रोजगार का जो पूरा मसला है तो वोकेशनल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और इन चीजों को आगे बढ़ाने पर भी काम होना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, हमारी बुनियादी मांग ये है कि किसी भी देश की प्रगति के लिए देश में शिक्षा का स्तर बढ़ना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है।
बिहार भी और नॉर्थन इंडिया भी हम देखते हैं कि शिक्षा के मैदान में बहुत पीछे है और मुस्लिम समुदाय भी बहुत पीछे है। और इसको लेकर आज से तकरीबन 10 साल पहले ये निर्णय हुआ था कि सीमांचल में किशनगंज में एएमयू के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सब सेंटर को लाया जाएगा, लेकिन पिछले 10 साल में इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो हमारी डिमांड ये है कि एएमयू के लिए फंड्स को अलॉट किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, एएमयू के बहुत से कोर्सेज को यहाँ शुरू किया जाए। इसी के साथ साथ 2 साल की महामारी की वजह से बहुत से लोग शिक्षा से दूर हो रहे हैं, आर्थिक तौर पर परेशान हैं, तो स्कॉलरशिप्स के जरिए से, दीगर चीज़ों के जरिए से उनको जो वो सहायता दी जाए, उनको मदद की जाए। साथ ही साथ यहाँ रोजगार का जो पूरा मसला है, एम्प्लॉयमेंट का जो मसला है, उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट स्टार्टअप्स पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर, वोकेशनल ट्रेनिंग पर और ऐसी चीजों पर जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे, अपने बजटरी एलोकेशन को बढ़ाए, माइनॉरिटी के बजट को बढ़ाए, ताकि यहाँ की माइनॉरिटीज भी और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, बिहार की भी प्रगति हो और साथ ही साथ जो है समाज की और समाज के हर आदमी की भी प्रगति हो सके। मेरा नाम मोहम्मद सलमान अहमद है, मैं स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एमयू के मामले पर आपने स्टेट गवर्नमेंट को भी ब्लेम किया था, तो स्टेट गवर्नमेंट तो 2013 में आपको 224 एकड़ जमीन देगी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका अपना पावर है, ऑटोनोमस बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डील करती है, तो उस रोल को आप बिहार की अपडेट्स दे देंगे आप? उस रोल पर ना तो ब्लेम किया आपने उस तरह से, स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ ब्लेम किया, क्या मामला आप क्लियर जी? आप 2013 में स्टेट गवर्नमेंट ने वो जमीन अलॉट की, तो आपने देखा कि फिर जमीन पर वो दायर किया गया, एनजीटी ने रोक लगाया स्टेट, तो आप किसी को जमीन अलॉट करेंगे तो उसके बाद आप खामोश नहीं हो जाएंगे, आपकी भी उसमें उतनी जवाबदेही होगी जितना सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है, जो उसने फंड को वो किया, फंड अलॉट किया, फंड नहीं दिया, उसकी भी हम डिमांड कर रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को भी जितना रोल अपना निभाना चाहिए था। हमारा मानना है कि वो एरिया बिहार का 65% आबादी एक तो माइनॉरिटीज की है मुकम्मल वहां पर, दूसरी आबादी वो है कि बीपीएल है 65%, और आप देखेंगे इतना पिछड़ा आज भी इंडिया में आजादी के बाद 25 ईयर्स के बाद भी उस एरिया के एक बड़े मसले को, यानी शिक्षा एक बड़ा मसला, उससे वंचित रखा जा रहा है। तो आप कहीं ये बात से भाग नहीं सकते कि हमने जमीन दिया, उस जमीन देने के बाद आपने सेंट्रल गवर्नमेंट पे कितना प्रेशर बनाया, कितना डिमांड था आपका, इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट सीरियस नहीं, और आप ये देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट भी चेंज नहीं होगी, वो वही गवर्नमेंट है जो 8 साल पहले जमीन अलॉट करती है। तो जमीन अलॉट होने के बाद जो रोक अभी तक स्टे लगा हुआ है, इस मामले में हम स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं तो मामले को ठीक वो करे। एक चीज है, वो एनजीटी ने रोक लगाई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, सुप्रीम कोर्ट यूनिवर्सिटी गई है अभी तक, क्यों नहीं गई? यूनिवर्सिटी को जाना होता है, इस तरह के कई मामले आए जिसमें जिसका मामला था उसको जाना होता है कोर्ट, और कोर्ट से फिर मिलता है, क्यों नहीं गया अभी तक, इतने साल हो गए? इसमें भी हमारा डिमांड है कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कैंपस दिया गया था, तो एक जमाने में यूनिवर्सिटी में ये बहस रही कि हम कैंपस नहीं देंगे, कैंपस के बाद जब ये गवर्नमेंट जब आ चुकी थी कि अब कैंपस होना चाहिए, हमारा डिमांड यूनिवर्सिटी के लिए भी यही है कि वो इस मामले में सीरियस अपना रोल अदा करे। तो आप ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटी सीरियस नहीं है जी, वो मुखलिस नहीं है, वो किशनगंज के मुसलमानों को या पूरी आबादी जो बैकवर्ड है, जो किशनगंज बैकवर्ड है, उसको नहीं पढ़ाना चाहते हैं, ये मान रहे हैं आप? एमयू कैंपस या एमयू सेंटर जो है कितना ब्लेम है, वो तो अभी इस मामले रोल नहीं दिया, उसने कहा कैंपस तो दे दिया उसने, अभी तक नहीं कर रहे कैंपस दिया, करना तो उसी को है, यूनिवर्सिटी को करना है जी। बाकी जो भी काम करना है डेवलपमेंट का, नहीं तो किराए में लेके और भी जगह किराए में लेके चलवाना, ये सब कुछ तो वो कर सकती है, यूनिवर्सिटी तो इतनी बड़ी है। तो हमारा डिमांड यूनिवर्सिटी साफ है कि इस मामले में वो सीरियस हो, हम ब्लेम की बात नहीं करते, यूनिवर्सिटी ने ये बात तो कर दिया वो कैंपस देगी, वो अपने दूसरे कैंपस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, इस कैंपस के लिए भी करे और ये डिमांड लेके हम वहां तक जाएंगे। ठीक है, मुख्य सेंट्रल मसला है, यूनिवर्सिटी को कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला कोर्ट में जा चुका है, तो एनजीटी में गया, यूनिवर्सिटी से आपने डिमांड ये रखा है, आपकी नेगलिजेंस क्यों रही है, अपडेट है तो बोलिए, लेकिन यूनिवर्सिटी बताते खुद था वो क्यों नहीं, क्योंकि मिल्कियत अब उस जमीन की मिल्कियत पूरी तरह यूनिवर्सिटी की है। जी जी, आप जी आपने जो बात कही अभी वो सही है कि यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैं हमारे पास ये रिपोर्ट की है कि एनजीटी में जो केस दर्ज हुआ था उसमें बाजाबता यूनिवर्सिटी बिहार गवर्नमेंट ने तो अपना जो भी गवर्नमेंट एक पार्टी यूनिवर्सिटी खुद भी
दूसरी पार्टी जो है, एक तो बिहार गवर्नमेंट को बनाया है एनजीटी ने, और दूसरा पार्टी जो है वो आपका यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के बारे में जब मैं केस पढ़ रहा था, तो केस में ये है कि यूनिवर्सिटी के को जो मांगा गया था उससे कि वो फाइल करे अपना, अपनी पक्ष रखे, तो यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में कोई भी पक्ष अपना नहीं रखा। ये चीज तो केस में उस चीज को मानते हैं, और ये एएमयू की एक बड़ी गलती है। और हम ये भी खुलकर के ये बात कहते हैं कि एएमयू में एक ऐसा तबका है जो ये चाहता है कि एएमयू का ऑफ सेंटर कहीं भी ना करे। इस सिलसिले में उस सिलसिले में कई तरह की चीजें मीडिया में भी आती रही हैं, तो आप लोग इस सिलसिले में बेहतर जानते हैं कि उस सिलसिले में क्या चीजें हैं। वो बात तो है, क्या इंटरेस्ट है इसके पीछे वो ऑफ सेंटर ना हो। उनका मानना ये है कि जिस तरह से एक बात कहा जाता है कि इंडिया का ऑक्सफोर्ड मानी जाती है एएमयू, तो जाहिर सी बात वो चाहते हैं कि जिस तरह से ऑक्सफोर्ड की कोई, ये दलील देते हैं कि जिस तरह ऑक्सफोर्ड की कोई ऑफ कैंपस नहीं है, तो ये एएमयू के भी ऊपर ऑफ कैंपस नहीं होगा। उसके पीछे इंटरेस्ट होगा, नहीं चाहते कि भाई उसका उसकी ब्रांच उसकी शाख और दूसरी जगह हो जाए। उसके अरे नहीं है, वो आप पूछ रहे हैं कुछ, आप बोला जी जी बताइए। उसके पीछे कुछ मंशा हो सकती है, जैसे एक पूरा सेक्शन चाहता है कि भाई उसका दूसरी जगह स्टडी सेंटर खुले, या फिर उसका ब्रांच खुले, या फिर वो चार जगहों पे ये बात नहीं है, पांचवी जगह पे ये क्यों है। जाहिर सी बात है बिहार के सिलसिले में अगर हम देखेंगे तो किशनगंज का इलाका जो है वो असल में बैकवर्डनेस में तो पहले से ही। और एक और चीज जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं, आप जिस सवाल की तरफ निशान ले कर रहे हैं, उससे उस चीज के सिलसिले में मैं ये कहूंगा कि सिर्फ और भी कई प्राइवेट बॉडीज भी हैं जहाँ पे, वहां पे प्राइवेटाइजेशन का एक बड़ा मुद्दा है, वहां पे दूसरे मैंने ये पूछा कि ये आपने कहा कि एक सेक्शन ऐसा है जो नहीं चाहता कि उसका वो ऑफ सेंटर खुले कहीं दूसरी जगह, वो उसके पसे पर्दा क्या मंशा हो सकती है, ये मैं तो जी दिया। तो आपके स्पेसिफिक सवाल का जो जी समझ गए, साख खराब हो जाएगी या क्या हो जाएगा, उसमें तीन चार कंसर्न्स उन लोगों की तरफ से। पहले तो हम ये क्लियर कर दें कि हम ये नहीं कह रहे कि पूरी यूनिवर्सिटी का ये कंसर्न है कि कहीं नहीं बने, एक सेक्शन का है। उसके जो रीजंस हैं या जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसमें एक तो उनका ये कहना है कि एएमयू फिलहाल इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में है, हमारा स्तर नीचे आ जाएगा, लेवल नीचे आ जाएगा, ये एक उनका क्लेम है। एक तो ये प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं कि बात सही हो। दूसरा नहीं, मैं कह रहा हूं ना, ये एक रीजन है जो वो कहते हैं, हम उसको सही नहीं समझते। दूसरा उनका रीजन ये है कि वो ये चाहते हैं कि वहां जो बेसिकली लोग हैं, तो पावर बेसिकली सेंट्रलाइज्ड है फिलहाल वहां कुछ लोगों के पास। अब जब वो फैलेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ की जो जियो पॉलिटिक्स है, जो रीजनल पॉलिटिक्स है, उस पर भी कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा। और जो वर्चस्व फिलहाल कुछ लोगों का है, उनको इस किस्म का थ्रेट हो सकता है कि ये फील कर रहे हैं। दूसरे बहुत से सब सेंटर्स बनेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, तो फंड हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एलोकेट होता है, अगर वो बढ़ेगा नहीं लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक की जगह आप चार पांच जगहों पे, तो हमारा फंड्स का मसला आएगा। दूसरा हमारा जो वर्चस्व और हमारा जो डोमिनेंस है, सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है, और उसके थ्रू जो बहुत कुछ है, तो वो भी कहीं ना कहीं मुतासर होगा। तो ये उन लोगों के अपने कैलकुलेशन है। लेकिन तीसरा, इन दोनों से आगे बढ़कर हम ये बात समझते हैं कि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन के पास जितनी पावर है उससे ज्यादा एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास है। तो बेसिकली अगर एजुकेशनल मिनिस्ट्री विल पावर बताती है, अपनी ख्वाहिश बताती है, तो वो कर सकेगी। ये ब्लेम जो है वो यूनिवर्सिटी पे ही नहीं जा रहा है। माइनॉरिटी स्टेटस की बात कर रहे हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्टेटस की बात कर रहे हैं? माइनॉरिटी स्टेटस की बात केस वो अब तक वो अभी पेंडिंग में ही है जी। वो केसेस तो जाहिर सी बात है कि जामिया और एएमयू दोनों पर है, किसका माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म करें? सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही है, तो फिर वो किसी माइनॉरिटी स्टेटस वाले इसको क्यों करें इस आर्ग्यूमेंट के साथ? तो जाहिर सी बात है कि ये तो एक इस्लामोफोबिक एनवायरनमेंट हम देखते हैं, उसका मैनिफेस्टेशन बहुत सी शक्लों में, तो उसमें से ये भी है। अभी जामिया की बात आई थी, जामिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, उसमें भी वही इसका सेक्शन जो है उसका उसकी मुखालफत कर रहा था, या तो वो वजह हो सकती है
यहाँ भी वो सेंटर में खुले वर्चस्व की बात कही आपने, हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहला इसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आप ये कहना चाहते हैं क्या डिमांड आपका कि स्टेट गवर्नमेंट प्रेशर बिल्डअप करे, क्योंकि डबल इंजन सरकार है, तो नीतीश कुमार से ये आप उम्मीद रखते हैं या मुकाबला करते हैं? देखिए प्रेशर बिल्डअप करना भी चाहिए, और हम ये समझते हैं कि ये कोई इतनी सिंपल चीज नहीं है कि आप बोल दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, आप राज्य में सरकार चला रहे हैं उस पार्टी के साथ, तो इतना तो कोई छोटा बच्चा नहीं है कि आपको जब अपनी स्टेट गवर्नमेंट रन करनी है तो आप साथ में बैठ जाए, और जब माइनॉरिटीज की बात आए तो आप ये कहने के नहीं उनका मामला है। अगर मैं बहुत क्लियरिटी के साथ कह रहा हूँ, अगर राज्य सरकार चाहेगी तो वो कुछ भी करके कर सकती है, प्रेशर बनाना मुश्किल नहीं है। वैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो वो जो वो यूनिवर्सिटी जाए नहीं जाए वो रास्ता निकाल सकती है, लेकिन जब दोनों की ख्वाहिश नहीं है उसका नतीजा ही है, ये ब्लेम डालने की बात नहीं है। अभी जो मैंने विजिट किया था वहाँ पे, तो अभी यूनिवर्सिटी में सिर्फ किशनगंज में 52 स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल्ड हैं, और वो भी एमबीए के कोर्स, इनरोल कोर्सेज सिर्फ एक कोर्स चल रहा है वहाँ पे, एमबीए का कोर्स चल रहा है, बाकी 2017 के बाद से बीएड वहाँ पे का कोर्स था वो भी बंद है अभी तक, और एनसीटीई ने जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन टीचर्स एजुकेशन जो है उसने इस पर भी रोक लगा दिया। तो उस सिलसिले में उनका जो उनकी जो दलील है वो ये है कि एएमयू किशनगंज के पास बिल्डिंग नहीं है, एकोमोडेशन नहीं है कि स्टूडेंट को वो रख सकें, तो जाहिर सी बात है इसलिए वो कोर्स भी बंद है। सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स चल रहा है जिसमें भी जितने सीट्स हैं उतने स्टूडेंट वहां पे नहीं है, सीट 25 है जिसमें से अभी सिर्फ और सिर्फ 52 स्टूडेंट है, एमबीए का कोर्स वहां पे चल रहा है। जी जी क्लासेस के बारे में जो बताया तो अभी ऑनलाइन सिर्फ हो रहा है, कोई भी हम जब यूनिवर्सिटी विजिट की तो वहां पे कोई भी स्टूडेंट्स वहां पे नहीं थे, वहां के जो फैकल्टीज हैं सब जो है एडहॉक पर हैं, सब गेस्ट फैकल्टीज हैं और कोई भी परमानेंट फैकल्टीज नहीं, तो जाहिर सी बात है वो उसकी डेवलपमेंट किस तरह से उससे आप जान सकते हैं। एस आई ओ बिहार जो है 2014-15 जब भी इस सिलसिले में जब भी आवाज उठाई गई है, पिछले महीने जनवरी में भी हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी खास करके कि एस आई ओ तन मन धन से एएमयू किशनगंज को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगी। अभी हाल में भी जो हम वहाँ के जो एमपीज हैं उनसे भी एमपी से एमएलए से भी हम लोग मुलाकात किए हैं कि आप लोग उस सिलसिले में क्या है, हम लोगों ने उनको इस चीज की तरफ भी मतवजे करवाया है कि वो खास करके अभी जो सेशन चलने वाला है उसमें वो लोग इस इश्यूज को रेज कर, एमपी ने कोई मामला रेज किया पार्लियामेंट में उन्होंने नहीं, मेरा मानना एक इशू रेज करने का हौसला ये है कि आप सिर्फ पोस्टर लेकर के खड़े हो जाना ये इशू रेज करना नहीं हुआ, उसके लिए बाजाबता क्या आपने टेक्निकलिटीज या जो एनजीटी अभी एनएमसीजी में केस है, एनएमसीजी ने भी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने भी उस पर रोक लगा दिया, तो जाहिर सी बात इस तरह से। और एक बात और मैं आप लोगों के जहन में लाना चाहता हूँ कि जो जिस वजह से जो रीजन है केस में रोक लगाने का वो ये है कि महानंदा रिवर जो है उसके पटाक्ष के एरिया में आता है वो, जबकि जो विजिट करिएगा वहां पे तो वहां पे उसी जगह पे उसके पास में ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक बनी हुई है, दूसरा एक पुलिस लाइन भी वहां पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो जाहिर सी बात है उन दोनों चीजों को बनाने में कोई भी रोक नहीं लगाया गया, ना एनसीजी ना एनएमसीजी के जरिए से ना एनजीटी के जरिए से, लेकिन एएमयू किशनगंज की जमीन पर जो कि 2 किलोमीटर, ये जो मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में जो बात कर रहा हूँ वो 500 मीटर की दूरी पर है, महानंदा जो नदी है उससे 500 मीटर की दूरी पर है, जबकि एएमयू किशनगंज 2 किलोमीटर की दूरी, तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों को देखते हैं जी वो जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने जो अपनी रिपोर्ट डीएम के जरिए से बनवाई है उस रिपोर्ट में बाजाबता वो चीजें दर्ज है, आप लोग चाहेंगे तो वो चीजें आप लोगों को दी जाए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो अभी बनी है उसके बारे में बात करें, 2 किलोमीटर की दूरी पर नहीं, अब इसके सिलसिले में आप एक और चीज जो है वो ये कि मांझी इसमें जो केस जिसने किया है, मैं वहां के इस साबित एमएलए साहब से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि वो मांझी
प्रज्ञा अभयन बैसी बैसी नाम के एक शख्स हैं जिसने ये केस किया है, तो अभी तक वो आदमी का पता ही नहीं। मान जी प्रज्ञा अभयन बैसी वर्सेज एमयू किशन का पूछने बोल रहे हैं अभयन बैसी जी, केस का नाम जो है मांझी प्रज्ञा अभयन बैसी वर्सेस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज अनदर इसकी। हाँ जी जी अलॉट हुआ था जो यूजीसी के जो कागज है उसमें 136 करोड़ रुपया अलॉट होता है अप्रूव्ड हुआ था, सिर्फ 10 करोड़ वो भी 2014-15 में हुआ है। तो इस हवाले से तो असल में ये पूरा जो है वो तीनों इस पे हम ट्राई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के भी बात हो रही है, वहां जो हमारे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ स्टेट से हमारी डिमांड है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम मुस्तकिल मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं और हम भी और दीगर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हमारे प्रोटेस्ट दिल्ली में होते रहते हैं इस मुद्दे को लेके। तो HRD मिनिस्ट्री को इससे पहले भी और जो है रिसेंट में भी हमने इसको वो किए हैं, लिखे हैं मेमोरेंडम, यानी कंटिन्यूटी के साथ लिखे रहते हैं। अलग अलग टाइम से अलग अलग मिनिस्टर्स से भी हमारे सेक्रेटरीज वगैरह से भी रहा नहीं, वो तो मतलब बस ये रहता है कि देख रहे हैं करेंगे हो रहा है। दो दिन बाद एजुकेशन मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट है बिहार के एजुकेशन, तो वो रूल घुमा देगा इसकी स्ट्रेटजी आपने तय की है, पहले उनको पढ़ लीजिए जिससे मिलने जा रहे हैं, उसकी जात पे पता कर लीजिए, उनकी चीजों का पता कर लीजिए, तब मिलिए और फिर उनको एविडेंस दीजिए, फैक्ट फिगर दीजिए, प्रेशर बिल्डअप कर लीजिए, कुछ करिए। तो आपको पहली मुलाकात में स्वर्ग पहुंचाएंगे, उसके बाद सड़क के बगैर नहीं होगा।